नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर त्यागी और आपका दोबारा से मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है द लग्जरी रियलिटी। अब आज दोस्तों मैं एक आपको कंसेप्ट में लेके आऊँ जो हमारा स्ट्रिल्ट प्लस फोर का कंसेप्ट रहेगा, जैसे कि आप मेरे बैक साइड पे देख ही रहे हैं। और जो हमारी लोकेशन रहेगी वो आपकी रहेगी गाजीपुर रोड की लोकेशन, जो आपका बिल्कुल चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे के पास पड़ता है। और ये चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे से इसकी 800 से 900 मीटर का डिस्टेंस रहेगा बेसिकली। इस लोकेशन की सबसे खास बात यह है कि जैसे कि ये चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे पे है तो इसके बिल्कुल फ्रंट में आपका वीआईपी रोड भी आ जाता है। बेस्ट प्राइस, मेट्रो, पीवीआर, डीकैथलन, मैकडी, ये सारे का सारा आपके एक किलोमीटर के सराउंडिंग में है। इसके बिल्कुल ही अगर जो मैं आपको इस साइड की लोकेशन दिखाऊँ, अगर जो आप इस लोकेशन में चले तो यहाँ से तकरीबन 500 से 700 मीटर दूरी हमारी जो है PR7 रिंग रोड भी निकल रही है। तो हमारी PR7 से भी कनेक्टिविटी है, चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे से भी कनेक्टिविटी है। और अगर जो मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो इस साइड से कम हमारे 800 मीटर के पास हमारी ये जा रही है ओल्ड कालका हाईवे, जो आपकी शिमला हाईवे भी कह सकते हो या पंचकूला हाईवे भी कह सकते हो। तो ये तीन कनेक्टिविटी के बीच में हमारे बिल्कुल ये बस रहा है जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बॉलीवुड एसेंशिया के नाम से ये प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट आपका 7.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर 356 यूनिट आपकी अवेलेबल है। ये रेडी टू मूव कंसेप्ट रहेगा और इसकी जो इंटरनल रोड रहेंगी वो 40 फीट की रोड रहेंगी। बोथ साइड ओपन कंसेप्ट है और ये बिल्कुल अपना स्मार्ट होम्स के साथ है। क्लब हाउस की फैसिलिटी इसके साथ हम दे रहे हैं, स्विमिंग पूल्स दे रहे हैं, डेली नीड शॉप्स आपकी अंदर रहेगी। बाकी मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ एक बार फ्लैट के टूर पे। आइए दोस्तों एक बार फ्लैट देखा है। तो अब मैं आपको लेके आया हूँ अपने फ्लैट के टूर पे। ये एक फ्लोर पे हमारे दो फ्लैट रहेंगे जो आमने सामने रहेंगे और बीच में हमारी रहेंगी लिफ्ट और साइड में हमारे एक आगे आपके स्टेयर केस आगे। आ जाइए दोस्तों एक बार फ्लैट के अंदर का टूर देखते हैं। ये हमारा आ गया ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया जो हमारा 12x12 है और इसमें अगर जो आप सिटिंग देखें तो तकरीबन 8 बंदु की सिटिंग बहुत इजीली हो रही है। और इसी के साथ हमारी ये आ जाती है बालकनी फ्रंट में। आ जाइए एक बारी बालकनी आप देखिए, बालकनी काफी ह्यूज बालकनी है इसमें। और इसकी सबसे खास बात बताऊं मैं, ये बोथ साइड ओपन है। इसके बीच में जो आपका जो स्पेस रहेगा फ्लैट टू फ्लैट वो आपका रहेगा 40 फीट का, मतलब आपकी वेंटिलेशन सनलाइट बहुत ही ज्यादा क्लियर है। अब मैं आपको चल रहा हूँ रूम्स में लेके। तो ये हमारा रहेगा फर्स्ट बेडरूम। इस फर्स्ट बेडरूम का जो साइज रहेगा वो 11x13 का रहेगा, जिसके अंदर जो आपकी अलमीरा की जो आपकी स्पेस है वो रूम के अंदर इंक्लूड नहीं है, वो अलग है। आप ये देख सकते हैं ये बॉटम टू टॉप तक जा रही है। इसी के साथ अब मैं आपको दिखा रहा हूं वॉशरूम। आप वॉशरूम का साइज देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा खुला डुला है। तो और जो इसके अंदर हमारी जो फिटिंग्स लग रही है वो आपकी डेल्टा की फिटिंग्स लग रही है। ये एक बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में आता है। जो अभी आप चीज बेसिकली देख रहे हैं सेम यही फिटिंग्स आपको प्रोवाइड होगी। आज ये अब डाइनिंग एरिया में चलते हैं। डाइनिंग एरिया देखें, डाइनिंग एरिया के साथ साथ यहाँ अभी हमारी जो सीटिंग है 6 बंदों की सीटिंग है। अब 6 पर्सन के साथ आप इसमें सीटिंग और भी कर सकते हैं, तकरीबन यहाँ बहुत इजीली 8 पर्सन की सीटिंग बहुत इजीली हो जाएगी। और इसी के साथ साथ बिल्कुल हमारा पूजा रूम कंसेप्ट है। अब यहाँ कस्टमर्स ने कईयों ने पूजा रूम भी सेट किया है, कईयों ने बार भी किया है और कईयों ने यहाँ शोकेस भी करा है। वो डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप क्या कर सकते हैं। और बाय चांस अगर जो आपको स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए तो आप ये वॉल का कंसेप्ट थोड़ा सा हटा भी सकते हैं और ये वाला स्पेस आपका इसके अंदर रूम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। आदि अब मैं आपको एक बार किचन की तरफ लेके चलूं। हमारे किचन का ये जो कंसेप्ट रहेगा ये बिल्कुल ओपन कंसेप्ट रहेगा। बेसिकली जो हमारी फिटिंग रहेंगी वो आपकी हेटिक्स की फिटिंग रहेंगी और ये भी बिल्कुल सॉफ्ट टच के साथ फिटिंग्स रहेंगी। यूनिट्स वगैरह आप हमारी देखिए, बहुत ही शानदार कंसेप्ट निकाला है दोस्तों ये। इसी के साथ साथ हम आपको चिमनी का प्रोविजन करके दे रहे हैं, डबल सिंक का प्रोविजन करके दे रहे हैं और यही हम आपको जो आपका वेस्ट गार्बेज वगैरह है उसका सेटिंग प्रोविजन भी हम आपको करके दे रहे हैं। ये वाला जो स्पेस रहेगा जहां हमारा फ्रिज रखा है ये बेसिकली हम आपको स्पेस करके दे रहे हैं। स्पेस के साथ साथ इसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है वो भी आपके 3 से 4 तरफ रहेंगे, ताकि अगर जो आप कल माइक्रोवेव इसके साथ अटैच करते हैं, फ्रिज करते हैं या और भी बहुत सारी चीज है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जरूरत प्रॉब्लम ना आए।
अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने सेकंड बेडरूम के साथ। ये वाले जो बेडरूम का साइज है ये हमारा 11x13 का साइज रहेगा। इसके अंदर भी एक वही फीचर्स जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी अलमारी का हमारा एरिया रहेगा वो आपका रूम्स के अंदर नहीं रहेगा, वो आपका बाहर रहेगा। और ये भी हमारा बॉटम टू टॉप तक जा रहा है। और जो फिनिशिंग दोस्तों आप देख रहे हैं इससे अपग्रेड ही होके मिलेगी, डी ग्रेड आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसी के साथ सर आपका सेकंड वॉशरूम, आप वॉशरूम का फिर से साइज देखें। वॉशरूम की फ्लैट्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि साइज छोटा है। आप इसका साइज देखिए और जो फिटिंग्स अभी आप देख रहे हैं यही सेम फिटिंग्स आपको अवेलेबल होंगी। अब इसी के साथ साथ मैं अब आपको लेके चल रहा हूं थर्ड बेडरूम पे। इसका साइज भी हमारा 11x13 का रहेगा। इसी के साथ साथ फिर से आपकी अलमीरा की फिटिंग जो बॉटम टू टॉप तक जा रही है और थर्ड आपका वॉशरूम, ये बेसिकली हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा। इस फ्लैट में आपको कहीं भी कोई भी टाइटनेस किसी भी एरिया में फील नहीं होने वाली। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका बालकनीज। हाँ जी, ये बालकनी, ये बैक साइड का व्यू है हमारा। तकरीबन 20 फुट का गैप है फ्लैट टू फ्लैट में, और अगर जो फ्रंट में देखें आप तो 40 फुट का गैप है फ्लैट टू फ्लैट में। ये वाली बालकनी आपकी थर्ड बेडरूम के साथ तो कनेक्ट है ही है, सेकंड आपकी किचन के साथ भी कनेक्ट है, और थर्ड हमारे थर्ड रूम के साथ कनेक्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा एक होम टूर था जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो हमारा 216 गज के अंदर बना हुआ है। और ये स्टील प्लस 4 का कंसेप्ट रहेगा, जो 4th फ्लोर रहेगा और 3rd फ्लोर रहेगा उसके साथ हम आपको रूफ लाइट्स भी दे रहे हैं। वो कुछ कुछ परसेंट होते हैं जो आप जब हमारे पास विजिट करेंगे, आप जब इंक्वायरी करेंगे तो मैं आपको वो सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। बिकॉज वो बहुत एक नॉमिनल सी या फिर ये कह लीजिए वो स्टेप टू स्टेप बतानी पड़ती है, तो इसी वजह से अपनी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अब दोस्तों दूसरी बात यह है कि मैं अभी तक आपके लिए जो नए से नए फीचर्स हो सकते हैं वो कोशिश कर रहा हूँ जितने ज़्यादा अच्छे निकाल सकूँ, बट इस चीज़ में मुझे आपकी कहीं सपोर्ट दिखाई नहीं दे रही, तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जितना हो सके दोस्तों प्लीज़ वीडियो देख के जाइएगा मत, और इसे सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको और ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। 3BHK, 2BHK, 4BHK, प्लॉट्स, विलाज वगैरह, अभी हमारे और भी नए नए कंसेप्ट आने वाले हैं, तो मुझे आपके दोस्तों इसमें सपोर्ट चाहिए होगी। प्लीज़ आप दिए हुए नंबर पे कॉल करिए और विजिट का प्लान करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।